Hello dear students, good morning all of you. Let's start today's class. Okay, and today's topic is assignment 2. ये कहाँ पर है आपका वर्कबुक का पेज नंबर 189, पेज नंबर 189 ओपन करना है, जिसमें क्या दिया है आपका असाइनमेंट 2. मीन्स जैसे आपने अपना वर्कबुक देखा है तो एंड में आपको असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 दिया है, राइट. ये क्या है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है. मतलब जैसे आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें जिस टाइप से पेपर आता है उसी का क्या है, एक मॉडल है, एक नमूना है कि आपको इस टाइप से पेपर आ सकता है. ओके, जिसमें मार्किंग भी दी है और जो टोटल 40 मार्क्स का होता है ना. तो हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे और आपको इसे अच्छे से समझना है, बिकॉज आपको हो सकता है कि जो सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम हो उसमें आपको इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आए. यही क्वेश्चन आए ये ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं उस पर ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, तो एट फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. इसमें है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स. ओके, तो इस असाइनमेंट टू में आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपने जो अपनी बुक में रीड किया है, टोटल आपकी बुक में 10 यूनिट्स थी, जिसमें से 1 से लेकर 5 यूनिट तक का जो है वो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है आपका, यूनिट नंबर 1 टू यूनिट 5. ओके, देन आफ्टर आपका यहाँ पर असाइनमेंट 2 मीन्स आपका जो सेमेस्टर 2 है, इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस यूनिट से आएंगे, तो यूनिट 6 to 10, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एंड यूनिट 10, इन 5 यूनिट से आपको क्वेश्चंस आएंगे. ओके, तो आपको इसी की प्रिपरेशन करनी है. यहाँ फर्स्ट दिया है द पॉरिज इन द बिग बाउल ऑफ. पॉरिज मीन्स मैंने आपको बताया था दलिया, है ना. पॉरिज मीन्स क्या होता है, दलिया. तो जो पॉरिज वाला जो चैप्टर हमने रीड किया था, द मैजिक पॉरिज पॉट, है ना, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन है द पॉरिज इन द बिग बाउल वॉज. मतलब जो बिग बाउल में पॉरिज कितना हो गया था, लेस मीन्स बहुत कम, मोर मीन्स बहुत अधिक, हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा. तो कैसा हो गया था, मोर बहुत ज़्यादा हो गया था. देन क्वेश्चन नंबर 2, द मैरीगोल्ड्स आर. अब आपने मैरीगोल्ड फ्लावर देखा है. मैरीगोल्ड क्या है, एक फ्लावर है जिसे हम अपने कॉमन लैंग्वेज में गेंदे का फ्लावर बोलते हैं, है ना, जिसमें मैनी पेटल्स होती है, बहुत सारी उसकी पंखुड़ियाँ होती है. और जो किस कलर का होता है, आपको कलर बताना है मैरीगोल्ड का, तो मैरीगोल्ड होता है येलो कलर का. ओके, यहाँ राइट करेंगे येलो, बॉक्स में राइट करेंगे सी नंबर, इसमें बॉक्स में बी नंबर. देन गोपू वांटेड टू बिकम अ. गोपू बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, ऑप्शन नंबर ए एक्टर बनना चाहता था, ऑप्शन नंबर बी डांसर, ऑप्शन नंबर सी म्यूजिशियन, ऑप्शन नंबर डी सिंगर. तो जो गोपू वांटेड टू बिकम अ म्यूजिशियन, गोपू क्या बनना चाहता था, म्यूजिशियन बनना चाहता था, राइट. देन द ओल्ड वुमेन गेव तारा अ. ओल्ड वुमेन ने तारा को क्या दिया था, मैजिक पॉट, एक जादुई बर्तन दिया था, जिसमें उसे क्या बोलना होता था, उस पॉट को कुक पॉट कुक. तो वो
पॉरीज कुक करना स्टार्ट कर देता था, और जब उसे स्टॉप करना होता था तो क्या बोलना होता था? स्टॉप पॉट स्टॉप, राइट? देन फिफ्थ, द एंट्स वर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर, जो हमने लास्ट वाला यूनिट अभी रीड किया उसमें जो एंट्स है वो ग्रेन्स कब के लिए स्टोर कर रही थी, किस सीजन के लिए? विंटर सीजन के लिए, समर सीजन के लिए, ऑटम सीजन के लिए, या फिर मानसून सीजन के लिए? द एंट्स वर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर विंटर बिकॉज विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, राइट? विंटर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, जिसमें कि वो एंट्स अपना फूड, अपने फूड के लिए बाहर नहीं निकल पाती थी, है ना? इसलिए वो पहले ही समर में क्या करती थी, डे एंड नाइट हार्ड वर्क करके अपने एंट हिल्स में पूरा फूड स्टोर करके रख देती थी। ओके, तो ये फिल कर लेंगे आप। देन है फिल इन दी ब्लैंक्स, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, हाउ मीन्स कैसे, ये थ्री वर्ड दिए हैं आपके। इन थ्री वर्ड की हेल्प से आपको इन थ्री ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, जहाँ पर जो वर्ड आएगा उसे आपको राइट करना है। ओके, तो फर्स्ट है ब्लैंक, ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, ये तीनों ही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये क्वेश्चन के पहले लगेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। तो हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, इसमें क्या आएगा, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर कितने साल के हैं, कितने ईयर के हैं। देन ब्लैंक इज माई बैग, वेयर इज माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, वेयर मीन्स कहाँ। इज राम फैट और थीन, क्या राम फैट है या थीन है। ओके, इस टाइप से इन वर्ड्स को फील करना था। देन राइट वन राइमिंग वर्ड, राइट वन राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड राइट करना है। तो ब्राइट का लाइट, चौक का टॉक। ओके, देन है सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्कल करना है। लाइक दिस, मोटू इज अ फैट बॉय, तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, फैट, बिकॉज इस बॉय को ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये बॉय है, ये लड़का है, बट कैसा है, फैट है, बहुत ही मोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड जाएगा, फैट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। देन आई हैव अ रेड बलून, यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, रेड, मतलब उसके पास बलून तो है, बट कैसा बलून है, वो बलून को डिस्क्राइब कर रहा है कि वह बलून रेड कलर का है, मेरे पास रेड बलून है, तो यहाँ पर जो रेड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। देन द बॉयज आर हंग्री, यहाँ पर हंग्री डिस्क्राइबिंग वर्ड है। टीना इज अ नाइस गर्ल, इसमें नाइस, मोहन इज अ फास्ट रनर, रनर है बट कैसा है, फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। He lives in big house, तो यहाँ पर हाउस है बट कैसा है, बिग है, ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? अब हमें कंपैरिजन करना है, तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाया था, As busy as a bee, bee के जैसे busy,
आपने देखा होगा ना बी को, मधुमक्खी को ऑलवेज क्या करती रहती है, भिन भिन करके बस अपना पूरा फ्लावर से नेक्टर स्टोर करके अपने बी हाइव्स में स्टोर करके रखती है। वहां से नेक्टर निकाल के फ्लावर से नेक्टर चूस के क्या करती है, अपने बी हाइव में अपने छाते में स्टोर करके रखती है। और क्या बनाती है, हनी, शहद बनाती है ना। तो वो कंटिन्यू क्या कैसी रहती है, बिजी ही रहती है। इसलिए जब भी कोई पर्सन अगर बिजी होता है तो उसे किससे कंपेयर किया जाता है, बीज से। ओके, अब है एज ग्रीन एज अ ग्रास, ग्रास के जैसे ग्रीन। जैसे हमें बोलना होता है ना कोई चीज अगर ग्रीन है तो हम बोलते हैं ना कि वो एकदम ग्रास के जैसे ग्रीन ग्रीन है, राइट। देन एज ब्रेव एज अ लॉयन, लॉयन के जैसे ब्रेव। एंड एज लाइट एज अ फीदर, फीदर मीन्स होता है पंख, पंख के जैसा हल्का। ओके, तो ये फील कर लीजिए आप। देन आफ्टर यहाँ पर दिया है आपको डिग्री, है ना। एग्जाम्पल है शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, मतलब ये होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्री टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री सिंपल होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। और कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री मीन्स जब भी हमें किन्हीं टू थिंग्स में कंपेयर करना होता है तो उसमें कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। और इस कंपैरेटिव डिग्री में जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें क्या लग जाता है, ई आर लग जाता है, तो वो हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री, इसमें जब भी हमें किन्हीं भी टू देन मोर, दो से अधिक चीज़ों में या दो से अधिक लोगों में अगर कंपेयर करना हो, तुलना करनी हो, तो उसके लिए कौन सी वाली यूज़ की जाती है, सुपरलेटिव, जिसमें कि ई एस टी लगा दिया जाता है उस वर्ड के एंड में। ओके, कंपेरेटिव में ई आर एंड सुपरलेटिव में ई एस टी, इतना आपको रिमेम्बर रखना है। तो इसका हो जाएगा शॉर्ट, ई आर लग गया तो शॉर्टर, देन इसमें ई एस टी लग गया तो शॉर्टेस्ट। ओके, वैसे इसका होगा ओल्ड, ई आर लग जाएगा तो ओल्डर, देन ई एस टी लग जाएगा तो ओल्डेस्ट, है ना। अब हार्ड, तो इसमें क्या लगाना है हमें, ई आर, हार्डर, और इसमें ई एस टी, हार्डेस्ट। देन बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, जैसे बिग है तो यहाँ पर बिगर जब हमने किया कंपैरेटिव में तो यहाँ पर डबल जी आ गया। ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज इसमें देखेंगे कि डिग्री के भी कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या होते हैं कि जब भी कोई वर्ड दिया है और उस वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट बिफोर कोई वोवेल है, जस्ट बिफोर कोई वोवेल है। अब आप सभी को वोवेल पता होने चाहिए, फाइव वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, राइट। ये फाइव वोवेल्स होते हैं, तो जब भी किसी वर्ड को जैसे आप सॉल्व करते हैं तो उसे केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, अगर उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट बिफोर कोई वोवेल है तो जो उस वर्ड का लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर है बिग, बिगर, बिगेस्ट, जी डबल हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट बिफोर वोवेल है, आई है, और आई क्या है, एक वोवेल है, तो जो लास्ट वाला लेटर है वो डबल हो जाएगा।
okay? Like this, इसका example बताऊं मैं आपको, thin. यहाँ पर देखिए thin, last letter n है, n तो consonant है, but consonant से just before देखिए यहाँ पर क्या है, i है, और i one vowel है, तो जब हम इसका comparative degree में इसे convert करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, thinner means n double हो जाएगा. और जब लास्ट में थीनेस्ट वाला करेंगे तो टी एच आई, इसमें भी एन डबल हो जाएगा और ई एस टी लग जाएगा. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट डिग्री में और एक रूल होता है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में वाई हो तो वाई को रिमूव करके आई लगा दिया जाता है. जैसे यहाँ पर देखिए हमें है फैमिली, फैमिली, तो इसका हो जाएगा फैमिलियर. वाई को रिमूव करके यहाँ आई लग जाएगा और फिर ई आर तो लगता ही है इन सभी में, वैसे इस साइड में भी आई और फिर ई एस टी. ये एक एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि जब भी किसी वर्ड के एंड में अगर वाई आता है तो वाई को रिमूव करके आपको आई लगा देना है और फिर कंपैरिजन में ई आर, और अगर सुपरलेटिव है तो आई ई एस टी. ओके, ओके, देन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर टू वर्ड्स दिए हैं, इन्हें होमोफोन्स बोला जाता है. इन्हें क्या कहा जाता है? होमोफोन्स, जिसमें कि दोनों ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट दोनों का स्पेलिंग डिफरेंट होता है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट होती है. ओके, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ग्रामर में होमोफोन्स कहा जाता है. ओके, लाइक दिस, आप इसमें देखिए, द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट ब्लैंक. अब ऑप्शन दिए हैं टू, टी ए आई एल टेल, टी ए एल ई टेल, दोनों ही क्या है, टेल टेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट आप स्पेलिंग देखेंगे तो दोनों की ही स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है. इसका है टी ए आई एल टेल और इसका है टी ए एल ई टेल. ओके, अब हम इन दोनों की मीनिंग देखेंगे तो इन दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है. जैसे टी ए आई एल टेल मीन्स होता है पूंछ, जो एनिमल्स की पूंछ होती है ना पीछे साइड वो वाली, और टेल टी ए एल ई टेल मीन्स होता है कहानी, कहानी, स्टोरी जो बोलते हैं ना हम, ये वाला. तो यहाँ पर क्या आएगा, द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट, एलिफेंट की शॉर्ट क्या होती है, टेल मीन्स पूंछ होती है, तो टी ए आई एल टेल आएगा इसमें. ओके, देन है अ ब्लैंक कैन रन फास्ट. अब यहाँ पर दिया है डियर, डियर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है. डी ई ए आर डियर, डियर मीन्स होता है प्रिय, जैसे बोलते हैं ना हम माई डियर मम्मा, माई डियर फ्रेंड, है ना, मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी प्यारी मम्मा, राइट. तो ये डियर मीन्स होता है प्रिय, प्यारा. ओके, एंड डी डबल ई आर डियर मीन्स हिरण, हिरण, पता है ना आपको जो फॉरेस्ट में रहती है हिरनी जिसे बोलते हैं. ओके, तो अ ब्लैंक कैन रन फास्ट. अब देखिए मैंने भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, कौन फास्ट रन कर सकता है, यहाँ पर ये वाला डियर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा डियर आएगा, डी डबल ई आर, डी डबल ई आर, ये वाला डियर राइट करेंगे आप. ये यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है मैंने स्पेलिंग, डी
डबल ई आर डेयर, ये वाला स्पेलिंग आप सेकंड नंबर में राइट करेंगे। मतलब कौन फास्ट रन कर सकता है? ही रन, डियर फास्ट रन कर सकती है। देन द ब्लैंक शाइन्स इन द स्काई, स्काई में क्या शाइन करता है? अब यहाँ पर टू सन दिए हैं, एस ओ एन सन, एस यू एन सन, ओके। तो एस ओ एन सन मीन्स होता है बेटा, एंड एस यू एन सन मीन्स होता है सूर्य। तो स्काई में कौन शाइन करता है, कौन चमकता है? एस ओ एन सन या एस यू एन सन? एस यू एन सन, सूर्य चमकता है स्काई में, है ना। एंड द नेक्स्ट इज जे इज अ ब्लैंक बॉय। अब यहाँ पर टू वीक दिए हैं, डब्ल्यू ई ए के वीक मीन्स होता है कमजोर, है ना, जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। एंड डब्ल्यू डबल ई की वीक मीन्स होता है सप्ताह, जो सेवन डेज से मिलकर बनता है। सेवन डेज इज इक्वल टू वन वीक, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये जो सेवन डेज होते हैं इससे मिलकर क्या बनता है? वन वीक। तो जो वीक है सप्ताह वाला वीक, ये उसका स्पेलिंग है। एंड वीक मीन्स कमजोर वाला वीक, ये उसका स्पेलिंग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? जे इज अ वीक बॉय, मीन्स जे जो है वो एक कमजोर बच्चा है। देन पेज टर्न कर लीजिए। अब है राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपने सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हमने बुक में भी किया है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं हमें इनके प्लूरल फॉर्म राइट करने हैं। तो इसमें भी रूल्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन में भी क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, राइट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैं इसके कुछ रूल्स बताऊंगी आपको कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स होते हैं। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपको क्या करना है, ये मैंने आज की क्लास में असाइनमेंट टू में जितना भी फील कराया है, ये आपको केयरफुली अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 189 एंड पेज नंबर 190 में फील कर देना है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।